नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज पर। दोस्तों, आप एक नया बयान गुरनाम सिंह चौधरी का सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने अपने साथियों से अनुरोध किया है कि अभी हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। जिस तरीके से जबरन पुलिस वाले टोल प्लाजा को खाली करवा रहे हैं और उनके लंगरों को बंद करवा रहे हैं, उन्हें उनसे घबराना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है और उनका डटकर मुकाबला करना है। अपने मंसूबों में पुलिस प्रशासन को कामयाब नहीं होने देना है, इसलिए लगे रहें वहीं पर, डटे रहें। गुरनाम सिंह चुनौनी का बयान। साथियों नमस्कार। साथियों, आज जो मुद्दा चल रहा है, ये सारा कांड हमारे आंदोलन को मुद्दे से भटकाने के लिए किया गया है और हम आपसे बेनती करेंगे कि हमने भटकना नहीं है, हमने अपनी बात मजबूती से रखनी है। हम ये आंदोलन लड़ेंगे और जब तक नहीं जीतेंगे तब तक लड़ेंगे। मेरी आप लोगों से बेनती है कि ये पुलिस वाले कई जगह जाके टोल बंद करा रहे हैं, कई जगह बीजेपी के लोग आके दबाव डाल रहे हैं। मेरी बेनती है कि सब जगह टोल चालू रखने हैं और जैसे धरने हैं वो धरने चालू रखने हैं, टोल इसी तरह से हमने किसी का नहीं कटने देना है। जैसे पहले प्रोग्राम चल रहा है वैसे ही चलाना है, लेकिन हमारे लोगों ने दंगा नहीं करना है, हमारे लोगों ने किसी पे हाथ नहीं उठाना है। कोई बीजेपी वाले आके दंगा करते हैं तो उसको पुलिस देखेगी और पुलिस वाले भाइयों से मैं कहूँगा कि वो नजायज़ दबाव ना डालें। और इसी तरह से हमने टोल पे जो धरने चल रहे हैं उसी तरह से चलाने हैं, पहले की तरह ही हमारा प्रोग्राम रहेगा। इस बात को मोड़ दे दिया गया है, ये बीजेपी की बड़ी गहरी साजिश है। आप देखेंगे जी, जो लोग लाल किले पे दंगा करने वाले हैं वो लोग गद्दार लोग हैं, वो बीजेपी के आदमी हैं। उनकी फ़ोटो अमित शाह से आ रही है, उनकी फ़ोटो जो है वो देश के प्रधानमंत्री से आ रही है और हमारे ऊपर इसको दोषी बना दिया गया है। तो साथियों, उस मुद्दे से भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आंदोलन पर ध्यान देना है, हमने लोगों की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। इसलिए सभी जगह टोलों पर धरने जारी रखे, टोल इसी तरह से बंद रहने चाहिए और मैं तो पुलिस को कहूँगा कि पुलिस खुद जो है वो हेल्प करे इस काम के अंदर, उन टोलों पे जो है वो इस तरह से वहाँ पे लोगों को उठाने की कोशिश ना करें। और ये आंदोलन मजबूती से लड़ना है, बस यही मेरी प्रार्थना है, किसी के अफवाह में नहीं आना है। और अगर बीजेपी वाले कहीं दंगा करते हैं उनको करने दें, हमारे लोगों ने कहीं जाके दंगा नहीं करना, हमारी सख्त हिदायत है। हमारे लोग कहीं जाके उन बीजेपी वालों के खिलाफ दंगा नहीं करेंगे, हमारे लोग शांति बनाए रखेंगे, हमारी सख्त हिदायत है इस पर। और हमारा जो सारा ध्यान है वो अपने आंदोलन पर रहना चाहिए और इसी के साथ मैं आपको अनुरोध करूंगा कि हम अपनी मंजिल तक आगे बढ़े। सबका धन्यवाद। धन्यवाद, बने रहिए हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज के साथ।